नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। वर्षाकाल समाप्ति के बाद भी पिथौरागढ़ का मतकोट जौलढुंगा मार्ग बीते चार माह से खस्ताहाल हालत में है। आपदाकाल के दौरान मार्ग पूरी तरह से गड्ढा युक्त व कीचड़ युक्त हो गया था, जिससे मार्ग में वाहन तो फंस ही रहे हैं और पैदल आवाजाही करने वालों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को धक्का देकर बाहर निकालना मजबूरी बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता बीरुचिराल ने बताया कि मार्ग की दशा सुधारने को लेकर कई बार गोरीपार क्षेत्र के लोगों ने गुहार लगाई, पर मार्ग की हालत जस की तस बनी हुई है। क्षेत्रवासियों को आवश्यक सामग्री लाने के लिए भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने मार्ग को सही करने की मांग की है। चार सूत्री मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आज से राशन वितरण नहीं करने का निर्णय लिया है। देव सिंह मैदान में हुई बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वह बीते लंबे समय से मानदेय और राशन ढुलान के बिलों के भुगतान की मांग करते आ रहे हैं और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण अब मजबूरन उन्हें यह निर्णय लेना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करते हुए उपेक्षा के आरोप भी लगाए। उन्होंने मांग पूरी न होने तक किसी भी हाल में राशन वितरण नहीं करने की बात कही है। साथ ही आज से सस्ता विक्रेता जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में अध्यक्ष मनोज पांडे, उपाध्यक्ष मनोज कापड़ी, महासचिव कैलाश जोशी, संयुक्त सचिव कमल टमटा, कोषाध्यक्ष ललित महर, हेमंत टोलिया, रवि मेहता, विजय कापड़ी, मनोज पुनेड़ा, मनोज उप्रेती, राजेंद्र सिंह रावत, भवानी अग्रवाल सहित अन्य विक्रेता मौजूद थे। पिथौरागढ़ के संगम होटल में जिला सहकारी बैंक की 47वीं वार्षिक बैठक सम्पन्न हो गई। सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का शुभारंभ काबीना मंत्री विशन सिंह चुफाल द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत की अगुवाई में किए जा रहे कार्यों व सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने व बैंकिंग सुविधा देने के प्रयासों को लेकर सराहना की। इस दौरान अध्यक्ष मनोज सामंत ने बीते वर्ष की तुलना में बैंक की प्रगति के आंकड़े व आगामी आय व्यय का बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने बैंक द्वारा 536 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित करने की जानकारी भी दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विधायक चंद्र प्रकाश पंत, पूर्व दर्जा मंत्री हयात सिंह महरा, महेंद्र सिंह लुंटी, भाजपा जिलाध्यक्ष बीरेन वल्दिया, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, उपाध्यक्ष नरेंद्र रौतेला, निदेशक बीरेन सिंह, होशियार लुंटी, उमेश मेहर, जगदीश राणा, पूरन सिंह, उत्तम गिरी, निर्मला गैतोड़ी, निबंधक मनोज पुनेटा, उप महाप्रबंधक जीवन पंत, एलएन भट्ट, अजय कुमार दुर्गापाल सहित विभिन्न लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन अनुभाग अधिकारी पीयूष पंत द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के धारचूला के जीआईसी खेत में आयोजित बहुद्देशी शिविर में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनने के उपरांत उनके निस्तारण को लेकर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान दारमा घाटी में बर्फबारी से मृत बकरियों व आपदा में ध्वस्त व क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम धारचूला व राजस्व उपनिरीक्षक को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए। बीते 2016 में सोबला में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन वर्तमान तक विभाग को हस्तांतरण न होने पर व मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की मांग पर डीएम डॉक्टर चौहान ने स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर एम जायसवाल से एक सप्ताह के रिपोर्ट पेश करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। जीआईसी खेत में एक लिपिक को जिला मुख्यालय अटैच करने व वेतन जीआईसी खेत से जारी होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने शीघ्र लिपिक की तैनाती जीआईसी खेत में करने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। साथ ही अन्य क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण व दवा वितरित, पशुपालकों को दवा वितरित, कृषि यंत्र व कीटनाशक वितरण और कोविड 19 टीका भी लोगों को लगाया गया। इसके उपरांत बीआरओ और ग्रामीणों के बीच सड़क के विवाद को लेकर जिलाधिकारी ने स्थल पर पहुंचकर समस्या का समाधान किया। इस दौरान डीएम डॉक्टर चौहान ने क्षेत्र में बंद पड़ी अन्य सड़कों को भी शीघ्र खोलने के निर्देश संबंधितों को जारी किए। शिविर में स्थानीय विधायक हरीश दामी, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, बीआरओ ओसी मेजर अमित दत्ता, एसडीएम एके शुक्ला, सीएमओ डॉक्टर एससी पंत, एनएचपीसी के मुख्य महाप्रबंधक प्रीतपाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।
पिथौरागढ़ के खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से संगठन के कार्यों व सरकार की सफलताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की बात कही। वर्चुअल बैठक में जिलाध्यक्ष बीरेन वल्दिया, विधायक चंद्रा पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पूर्व राज्य मंत्री केदार जोशी, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, वीरेंद्र ठुलगरिया सहित मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारी एवं विधानसभा के शक्ति केंद्र प्रभारी व संयोजक उपस्थित थे। पिथौरागढ़ में भारत स्वाभिमान न्यास के कार्यालय में योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक चंद्रा प्रकाश पंत द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों, आर्मी पब्लिक स्कूल, मंडप, जीजीआईसी, सिटी पब्लिक, वीर शिवा के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान प्रतिभागी बच्चों ने योग आसन आदि का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी बीना शाह, शिक्षक अनीता पांडे, भारत स्वाभिमान जिला प्रभारी रघुवत दत्त कापड़ी सहित रवि पांडे, दीपिका कुंवर, विजय प्रकाश जोशी, धनंजय जोशी, दिनेश जोशी, बिन्नी कार्की, हितेश मेहता, काजल भावना, अनिल चंद, लक्ष्मी भंडारी व पिथौरागढ़ जनपद में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस व HPU द्वारा नो पार्किंग में खड़े वाहनों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 45 वाहनों में चस्पा व ई चालान की कार्रवाई की गई। हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।